मैं डॉक्टर अरुण व्यास, एसोसिएट प्रोफेसर जियोलॉजी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में मैं आपके साथ स्टेटिग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक विंध्यन सुपर ग्रुप से संबंधित जानकारी साझा करूंगा। इंडियन स्टेटिग्राफी में जब हम प्री कैम्ब्रियन जियोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें पर्टिकुलरली जब हम राजस्थान के रेफरेंस में बात करते हैं तो हमने अभी तक अध्ययन जो आपको विभिन्न व्याख्यानों में जो जानकारी दी उसमें भीलवाड़ा सुपर ग्रुप, अरावली सुपर ग्रुप, दिल्ली सुपर ग्रुप, इनके बारे में आपको जानकारी प्रदान की गई। इनसे कंपैरेटिवली यंगर एज में विंध्यन महासंघ या विंध्यन सुपर ग्रुप की चर्चा आज इस व्याख्यान में जब हम कर रहे हैं तो ये यहाँ बताना आवश्यक है, जैसे हमारे राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला है, वैसे ही सेंट्रल इंडिया में मध्य प्रदेश और उसके आसपास के क्षेत्रों में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला महत्वपूर्ण स्थान रखती है और उसी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से जियोग्राफिकल टर्म से जब हम बात करते हुए जियोलॉजी में उसको समझने की कोशिश करते हैं तो स्टेटिग्राफी में उसको हम विंध्यन सुपर ग्रुप के नाम से पढ़ते आए हैं। आज के इस व्याख्यान में विंध्यन सुपर ग्रुप के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि अभी मैंने कहा, इसका टाइप एरिया मध्य प्रदेश में ज़रूर है लेकिन इसके एक्सटेंशन राजस्थान तक फैलाव लिए हुए हैं। तो जब हम राजस्थान की जियोलॉजी डिस्कस करते हैं तो उसमें भी राजस्थान में, राजस्थान के किन क्षेत्रों में विंध्यन महासंघ की चट्टानें पाई जाती है और उनका क्या कोरिलेशन टाइप एरिया के विंध्यंस के साथ है, इसकी विस्तारपूर्वक चर्चा आज के इस व्याख्यान में हम करेंगे। कोविड 19 की पैंडेमिक के इस दौर में जब आप घर पर बैठकर अध्ययन कर रहे हैं तो राज्य सरकार और राजस्थान के उच्च शिक्षा विभाग का ये मंशा है कि महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल से हम आपके साथ सतत रूप से संपर्क में रहते हुए इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको टीचिंग से संबंधित जो विशेष टॉपिक्स हैं उनकी जानकारियां आपके साथ यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके साथ साझा करते रहें ताकि आपके घर बैठे अध्ययन में किसी प्रकार की बाधा नहीं हो और आपका अध्ययन सतत रूप से जारी रहे। इस कड़ी में आज ये विंध्यन महासंघ यानी विंध्यन सुपर ग्रुप से संबंधित जानकारी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। विंध्यन सुपर ग्रुप एक पुराना सेडिमेंट्री बेसिन, पुराना जियोलॉजिकल टाइम स्केल में आर्यन, द्रविडियन, पुराना, ये एक नॉमिनक्लेचर है, तो उसमें विंध्यन सुपर ग्रुप को पुराना सेडिमेंट्री बेसिन में शामिल किया गया है। इसकी जो आकृति है सिकल शेप, जो हंसिया बोलते हैं कृषि में, जो हम काम में लेते हैं हिंदी में जिसको हंसिया बोलते हैं, उसकी आकृति इसकी मैप में अगर हम आगे जब देखेंगे तो उस आकृति के समान ये दिखाई पड़ता है। बाउंडेड बाई अरावली बुंदेलखंड क्रेटॉन्स इन द नॉर्थ, विंध्यंस जो हैं उत्तर दिशा में अरावली बुंदेलखंड क्रेटॉन्स से बाउंडेड है। डेकन ट्रैप्स इन द साउथ, जबकि साउथ में इसको डेकन ट्रैप आगे से घेरता है। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट मार्क्स द वेस्टर्न लिमिट ऑफ दिस बेसिन, कंपोज ऑफ सेवरल स्मॉलर सब बेसिन्स, उसमें राजस्थान सेक्टर, सोन वैली सेक्टर और चित्रकूट सेक्टर। ये विंध्यन सुपर ग्रुप का एक बड़ा चित्र आपके सामने मैंने पेश किया।
अब ये जो पुराना बेसिन जो मैंने अभी आपके टर्म यूज़ में की, ये पुराना बेसिन जैसे मैंने कहा विंध्यन एज, द्रविड़ियन एज, आर्यन एज, तो उसमें ये पुराना जो है इसका शाब्दिक अर्थ है एंशियंट। इट इंक्लूड्स ओनली सेडिमेंट्री सक्सेशन ऑफ प्रोटेरोजोइक एज दैट अकर इन न्यूमरस बेसिन्स इन द पेनिनसुलर इंडिया। यानी जो प्रायद्वीपी क्षेत्र है भारत का, जैसा कि आप जानते हैं भारत को अगर हम जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में तीन भागों में बांटते हैं, पेनिनसुलर इंडिया, इंडो गैंजेटिक प्लेन्स और एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया। जो ऊपर का नॉर्थन पार्ट है, जो हिली टेरेन है, उसको हम एक्स्ट्रा पेनिनसुला पार्ट बोलते हैं। उसके नीचे जो मध्य भाग है उसको सिंधु गंगा का मैदानी क्षेत्र बोलते हैं, और नीचे का जो पार्ट है तीसरा भाग भारत के भूभाग में नीचे वाला पार्ट, उसे हम पेनिनसुला या प्रायद्वीपीय भाग बोलते हैं। प्रायद्वीपी या पेनिनसुला का मतलब है कि वो लैंड पार्ट जो तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। तो ये पुराना जो एंशियंट शाब्दिक अर्थ है, इंक्लूड्स ओनली सेडिमेंट्री सक्सेशन ऑफ प्रोटेरोजोइक एज दैट अकर इन न्यूमरस बेसिन्स इन द पेनिनसुलर इंडिया। दे आर लार्जली अन मेटामॉर्फोज, यानी उनका कायांतरण नहीं हुआ है, अनडिफॉर्म्ड, उनमें डिफॉर्मेशन भी नहीं है, बहुत हल्का लाइट अगर है तो है, बाकी अनडिफॉर्म्ड है। डिफॉर्म्ड एट बेसिन मार्जिन्स विदाउट बॉडी फॉसिल्स एनी पार्ट ऑफ द एक्चुअल एनिमल और प्लांट, इनमें कोई एक्चुअल बॉडी प्लांट का फॉसिल नहीं पाया जाता है। दे आर इंट्राक्रेटोनिक बेसिन्स, पुराना बेसिन्स इन इंडिया आर प्रोटेरोजोइक इन एज, फिल्ड विथ मोस्टली मैराइन डेल्टाइक एंड फ्लूवियल सेडिमेंट्स विथ सम एलुवियल फेन्स डिपॉजिट्स इन द बेसिन मार्जिन्स। तो ये पुराना बेसिन क्या है उसके बारे में आपको एक इन्फॉर्मेशन बताई मैंने। पुराना बेसिन्स, मेजर पुराना बेसिन्स फॉर्मेशन टू प्लेस ड्यूरिंग थ्री मेन पल्सेस। फर्स्ट है पेलियो टू मेसोपोटामियाइक फेस ऑफ बेसिन फॉर्मेशन, जो पेलियो पोटामियाइक से लेके मेसोपोटामियाइक तक के कालखंड से जुड़े हुए हैं। इसमें अरावली दिल्ली, लोअर विंध्यंस, लोअर छत्तीसगढ़ और कडप्पा बेसिन। उसके बाद अर्ली पोटामियाइक फेस ऑफ बेसिन फॉर्मेशन, उसमें अपर विंध्यन, अपर छत्तीसगढ़ बेसिन्स, और लेट नियोपोटामियाइक फेस ऑफ बेसिन फॉर्मेशंस, उसमें अपना राजस्थान का मारवाड़ बेसिन एंड द कर्नूल ग्रुप ऑफ कडप्पा बेसिन्स। तो ये जो पेट्रोजोइक में अलग अलग कालखंड में तीन भागों में बांटा, पेलियो टू मेसोपोटामियाइक, अर्ली नियोपोटामियाइक और लेट नियोपोटामियाइक। अब हम विंध्यन सुपर ग्रुप पे आते हैं, तो विंध्यन सुपर ग्रुप का जो मोटा ब्रॉड क्लासिफिकेशन है उसको लोअर विंध्यंस में और अपर विंध्यंस में बांटा गया है। लोअर विंध्यंस में सेमरी ग्रुप, और उसके बाद अनकन्फर्मिटी, और उसके बाद अपर विंध्यंस। अपर विंध्यंस को तीन भागों में विभक्त किया है, कैमूर, रीवा और भांडेर, यानी नीचे नीचे कैमूर ग्रुप, फिर रीवा ग्रुप और यंगेस्ट फॉर्मेशन इसमें भांडेर ग्रुप। ये भांडेर ग्रुप अपना जब हमने पहले मारवाड़ सुपर ग्रुप आपको जब बताया था राजस्थान में, तो भांडेर ग्रुप के समकक्ष उसको मारवाड़ सुपर ग्रुप से मिलते जुलती उसकी कोरिलेशन बताई गई थी। ये राजस्थान का नक्शा, इस राजस्थान के नक्शे में पूरी राजस्थान की स्टेटिग्राफी दिखाई गई है, और अगर आप इसमें विंध्यन सुपर ग्रुप की बात करेंगे तो ये यहाँ विंध्यन सुपर ग्रुप इस नोटेशंस के साथ दिखाया गया है, ये पार्ट जो है ये विंध्यंस है। तो राजस्थान की अगर हम बात करें और राजस्थान के क्षेत्र में अगर बात करें, तो ये राजस्थान के साउथ ईस्ट पार्ट में, इस क्षेत्र में यहाँ विंध्यंस के एक्सपोजर्स मिलते हैं। इस नक्शे में अरावली और विंध्यंस को एक साथ दर्शाते हुए उनका ये मैप है, जो कि मैकेंजी एटाल 2013 में उन्होंने अपने रिसर्च पेपर में दिया था, वो आपके लिए यहाँ साझा किया गया है। क्योंकि ये एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए व्याख्यान आपके साथ साझा किया जा रहा है, कोई कमर्शियल इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है, तो इस तरह के इंटरनेट पे उपलब्ध लेटेस्ट रिसर्च डाटा और विभिन्न जो कंटेंट हैं
जिस टॉपिक पे हम आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो उनको हम यहाँ ड्यू कट से करते हुए यहाँ उनका उपयोग करते हैं ताकि आपको इससे फ़ायदा हो और नवीनतम रिसर्च डाटा से आप रूबरू हो सके। इसमें आप यहाँ देखिए, इस मैप में यहाँ ये क्षेत्र जो है वो अरावली वाला क्षेत्र है। इसमें अरावली में आप यहाँ ये जो ये है चॉकलेटी कलर में, ये BGC या बैंडेड निजी कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद ये अरावली से संबंधित है, ये यहाँ नोटेशंस में बताए गए हैं। और उसके बाद लाइट और मीडियम लाइट में साउथ दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली की ये चट्टाने बताई गई है। और इस तरफ हम जब आते हैं तो यहाँ पर ये विंध्यंस वाला क्षेत्र आ जाता है। इसमें आप देखिए कि यहाँ ये नीचे बुंदेलखंड क्रेटॉन जो है, बुंदेलखंड से संबंधित चट्टानों का ये यहाँ इसमें इस कलर के साथ बताया गया है। और उसके बाद ये सेमरी जो लोअर विंध्यंस में है, और ये अपर विंध्यंस में कैमूर, रीवा और भांडेर, इनको यह अलग अलग कलर्स में यहाँ दिखाया गया है। इस नक्शे में रीजनल टेक्टोनिक मैप ऑफ विंध्यन बेसिन शोइंग चंबल वैली एंड सोन वैली सेक्टर्स ऑफ द बेसिन ये दिखाए गए हैं। CVB यानी कि चंबल वैली विंध्यन बेसिन, और SVB मतलब सोन वैली विंध्यन बेसिन। और जो इस मैप में एब्रीवेशंस काम में लिए गए हैं, MPMB यानी मेसोपोटामिक मोबाइल बेल्ट, SOB यानी सतपुरा ओरोजेनिक बेल्ट, ADFB यानी अरावली दिल्ली फोल्ड बेल्ट, और GBT यानी ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट, NSL यानी नर्मदा सोन लिनियामेंट, DC यानी धारवाड़ क्रेटॉन, यहाँ पे धारवाड़ क्रेटॉन को आप यहाँ देख सकते हैं, ये DC ये धारवाड़ क्रेटॉन यहाँ पे, BC यानी बुंदेलखंड क्रेटॉन, ये बुंदेलखंड क्रेटॉन यहाँ पर, SC यानी सिंहभूम क्रेटॉन, ये सिंहभूम क्रेटॉन यहाँ पर बताया गया है, BAC यानी बस्तर क्रेटॉन। और जो ये B मैप है यहाँ पे, दिस वन, इसमें जियोलॉजिकल मैप ऑफ द प्रोटोजोइक चंबल वैली विंध्यन बेसिन अलोंग विद द चांदली बूंदी कोटा कुंजेर डीप क्रिस्टल सिस्मिक रिफ्लेक्शन प्रोफाइल मार्क्ड ओवर इट, तो ये इसमें यहाँ दिखाया गया है। ये चित्र इन मैप्स का दिखाने का मतलब आपको समझाने का है किस तरह से जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस में, चाहे वो क्रेटोनिक एरियाज हो, चाहे वो सील्ड एरियाज हो, चाहे वो सुपर ग्रुप्स डेफिनेशन में आने वाले बेसिन्स हो, तो उनको किस तरह से इनको प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ ये येलो कलर में चंबल वैली विंध्यन बेसिन उसको दिखाया गया, और ये जो लाइन है ये ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट यहाँ इसके साथ बताया गया है। उसके बाद यहाँ ये मंगलवाड़ा कॉम्प्लेक्स, फिर ये ग्रीन कलर में सैन माता कॉम्प्लेक्स, फिर ये दिल्ली फोल्ड बेल्ट, तो इस तरह से ये अरावली फोल्ड बेल्ट यहाँ पर, और इधर जब नागौर के पास और यहाँ इस एरिया में जब वेस्टर्न रीजन में आ जाते हैं अपन राजस्थान में, तो ये मारवाड़ टेरेन यहाँ आ जाता है। तो इस तरह से पूरे लंबे एरिए को जियोलॉजिकली किस तरह से उनका डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस मैप में समझाया गया है। ये जो जियोलॉजिकल मैप ऑफ विंध्यन बेसिन आपको दिखाया गया है, इसमें चार अलग अलग सेक्टर A, B, C और D अलग से डिफाइन किए गए हैं। ए में आप यहाँ देख सकते हैं कि ये इंडिया के रेफरेंस में यहाँ पूरी बात हो रही है, इसमें मैप ऑफ कॉन्टिनेंटल इंडिया है। बी, जो ये बी बताया है, ये अपने राजस्थान से संबंधित सेक्टर विंध्यन से जुड़ा हुआ, इसमें आप देखिए कोटा क्षेत्र विशेष रूप से यहाँ बताया गया है, और इसके बाद यहाँ ये चित्तौड़गढ़ क्षेत्र
नक्शे में दिखाया गया है। सी में सोन वैली सेक्टर यहाँ पर, और डी में बुंदेलखंड सेक्टर। ये इस प्रकार से इसमें पूरा समझाने का प्रयास किया गया है। अब राजस्थान और सोन वैली दोनों एरिया में जब हम इसको विंध्यन सुपर ग्रुप को कोरिलेट करते हैं, तो टेबुलेशन के माध्यम से कोरिलेशन एंड स्टेटिग्राफी ऑफ द विंध्यन सुपर ग्रुप फ्रॉम बोथ द सोन वैली एंड राजस्थान सेक्टर्स एज कंस्टेंट्स प्रोवाइडेड फ्रॉम ग्रेगोरी एट आल 2006, सारंगी एट आल 2004, रे एट आल 2002 एंड 2003, डी 2006 एंड मेलोनी एट आल 2008। इनकी रिसर्च के आधार पर ये कोरिलेशन दिखाया गया है। अब आप इसमें देखें, राजस्थान के अंदर यहाँ पर ये लोअर पार्ट, इसमें सतोला ग्रुप, उसकी थिकनेस 835 मीटर, फिर सैंड ग्रुप 210 मीटर, फिर लसावरा ग्रुप जिसकी थिकनेस 272 मीटर, और फिर खोरीब ग्रुप जिसकी 475 मीटर थिकनेस। उनकी लिथोलॉजी यहाँ ये इस कॉलम में समझाई गई है। ये लोअर विंध्यंस का सेमरी ग्रुप के इक्विवेलेंट का सारा क्लासिफिकेशन है। इसको जब हम इस क्षेत्र में कोरिलेट करते हैं, तो आप सोन वैली में इसको किस तरह से देख रहे हैं, मिर्ज़ापुर ग्रुप, देवनर ग्रुप, कहजुआ ग्रुप, ये उसके ऊपर रोहतास ग्रुप, तो यहाँ तक ये इसके साथ कोरिलेशन है। उसके बाद यहाँ अपर विंध्यंस में कैमूर, रीवा और भांडेर आ गए, यहाँ पे भी ये कैमूर, रीवा और भांडेर आ गए। थिकनेस कैमूर राजस्थान में 180 मीटर है, जबकि सोन वैली में 425 मीटर है। रीवा यहाँ राजस्थान में 285 है, सोन वैली में इसकी थिकनेस 296 है, जबकि भांडेर में लगभग 1200 मीटर के आसपास राजस्थान और सोन वैली में इनकी थिकनेस बताई गई है। तो ये सारा जो है अपर विंध्यंस का है, और सोन वैली और राजस्थान को इसमें कोरिलेट करते हुए दिखाया गया है। एज कंस्टेंट्स की अगर बात करें, तो भांडेर की जो आयु है वो 750 मिलियन ईयर्स के आसपास बताई गई है, और रीवा की 700 से लेके 1100 मिलियन ईयर्स के आसपास बताई गई है। रोहतास लाइमस्टोन की आयु यहाँ पर 1599 से लेके प्लस माइनस 48 मिलियन ईयर्स, और उसके नीचे जो रामपुर सेल उसकी आयु लगभग 1600 मिलियन ईयर्स, पोर्सिलिनाइट फॉर्मेशन की आयु लगभग 1630 मिलियन ईयर्स, और खजरात लाइमस्टोन की आयु लगभग 1720 प्लस माइनस 90 मिलियन ईयर्स रिपोर्ट की गई है। ये एक और मैप जिसमें राजस्थान सेक्टर को यहाँ राजस्थान सेक्टर को देखा जा सकता है, और ये इधर चित्रकूट, ये मझगांव वाला क्षेत्र, ये यहाँ सिद्धी क्षेत्र, ये रीवा, यहाँ पर इधर आप जाएंगे तो ये अरावली वाला क्षेत्र आ गया, और यहाँ ये लाखेरी, बूंदी, कोटा, ये उस क्षेत्र में जो अपन विंध्यंस के इक्विवेलेंट से संबंधित बात करते हैं। यहाँ इनकी डेटिंग से संबंधित अगर बात करें, तो आप देखें तो यहाँ बुंदेलखंड ग्रेनाइट और बैंडेड निजी कॉम्प्लेक्स की जो एज है वो 3.3 से 2.5 बिलियन ईयर्स बताई गई है। अरावलीज की बात करें तो 2.3 टू 1.8 बिलियन ईयर्स, और उसके बाद हिंडोली, बैंडेड निजी कॉम्प्लेक्स, नॉर्थ दिल्ली सुपर ग्रुप, साउथ दिल्ली सुपर ग्रुप, यहाँ तक इनको अलग अलग एज वाइज डिफाइन किया गया है। उसके बाद यहाँ इसमें ये विंध्यंस की बात करें, तो सेमरी की आयु येलो कलर में यहाँ जो दिखाया गया है 1.7 टू 1.6 बिलियन ईयर्स, कैमूर की आयु लेस देन 1.2 बिलियन ईयर्स, रीवा की आयु लगभग 1.1 बिलियन ईयर्स, और भांडेर की आयु 1.1 टू
से लेकर 0.8 बिलियन ईयर्स, ये उनका डिस्ट्रीब्यूशन जियोग्राफिकल और उनका एज क्या है डेटिंग एज पर रिसर्च डाटा इसमें समझाने का प्रयास किया गया है। अब अगर हम स्टेटिग्राफी की बात करें तो जो पहले लिथोस्टेटिग्राफी में आपको दिखाया था, यहाँ टेबुलेशन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ दोनों एरिया को सोन वैली इलाके को और राजस्थान के इलाकों को कोरिलेट किया गया है। तो लोअर विंध्यन से हम बात करें सेमरी ग्रुप, यहाँ सोन वैली में जैसे उस डायग्राम में भी मैप में भी दिखाया गया था मिर्जापुर कहेंजुआ और रोहतास सब ग्रुप। राजस्थान में बात करें तो यहाँ सैंड सब ग्रुप, लड़सरवा सब ग्रुप और खोरीप सब ग्रुप। इनके बाद यहाँ अनकन्फर्मिटी और अनकन्फर्मिटी के बाद ये अपर विंध्यन शुरू हो जाता है। इसमें कैमूर रीवा और भांडेर। राजस्थान में अगर उसकी बात करें तो पन्ना सेल, इंदरगढ़ सैंडस्टोन, झीरी सेल, उसके बाद तारागढ़ फोर्ट सैंडस्टोन, गनूरगढ़ सेल, लाखेरी लाइमस्टोन, सामरिया सेल, बूंदी हिल सैंडस्टोन, सिरबू शेल, सिलकोटा सैंडस्टोन, बलवान लाइमस्टोन और भावपुरा धौलपुर सेल। तो ये राजस्थान में अपर विंध्यंस, और इसका कंपैरिजन हम यहाँ करते हैं सोन वैली के स्टेटिग्राफिकल क्लासिफिकेशन के साथ। लोअर विंध्यन की एज के बारे में बात करें तो जनरली एज ऑफ पुराना सेडिमेंटरी रॉक्स रिमेन ए सब्जेक्ट ऑफ डिबेट। एज ऑफ लोअर विंध्यन सुपर ग्रुप को हम अगर डिफाइन करें तो इसको मीज़ोपोटोरोजोइक्स की माना जाता है। अब इसमें जो अभी पहले आपको बताया अलग अलग जो ग्रुप की अलग अलग चट्टानें हैं जैसे रोहतास लाइमस्टोन, तिरोहन डोलोस्टोन, रामपुर शैल, देवनर पोर्सिलिनाइट, गजरात लाइमस्टोन और सावा सैंडस्टोन, इनकी आयु यहाँ डिफाइन की गई है। रोहतास लाइमस्टोन की आयु 1600 मिलियन ईयर्स, तिरोहन डोलोस्टोन की 1650, रामपुर शैल की 1600, देवनर की 1631, गजराहत की 1721 मिलियन ईयर्स और सावा सैंडस्टोन की 1616 मिलियन ईयर्स। ये मीज़ोपोटोरोजोइक से संबंधित इसकी लोअर विंध्यन एज है। यहाँ फिर वही कॉलम के साथ अलग अलग जैसे सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, डोलोस्टोन और पोर्सिलिनाइट फॉर्मेशन, इन दोनों का कंपेरेटिव क्लासिफिकेशन ये राजस्थान में लगभग 3.5 किलोमीटर और सोन वैली में इसकी थिकनेस लगभग 5.5 किलोमीटर, इनका कोरिलेशन इस डायग्राम में समझाया गया है। इसमें सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, डोलोस्टोन, शेल, पोर्सिलिनाइट और बीच में अनकन्फर्मिटी जो लोअर और विंध्यंस और अपर विंध्यंस को सेपरेट करती है वो यहाँ नोटेशंस के द्वारा समझाई गई है। अपर विंध्यन एज की बात करें तो इसमें जो महियार सैंडस्टोन, भांडेर लाइमस्टोन, मझगांव किम्बरलाइट जिसमें डायमंड की बात करते हैं हम, बलवान लाइमस्टोन, सिकाकोदा सैंडस्टोन, लाखेरी लाइमस्टोन, कैमूर सैंडस्टोन, इन सब की एज यहाँ इसमें बताई गई है जो 1000 मिलियन ईयर्स, 908, 1070, 866, लेस देन 1000, 1073, 1172 मिलियन ईयर्स, अलग अलग रिसर्च डाटा पब्लिकेशन के आधार पर उसको बताया गया। यहाँ पर इडियाकॉरियन फॉसिल्स रिपोर्टेड फ्रॉम लाखेरी एंड सिरबू फॉर्मेशंस जो कि भांडेर ग्रुप के हैं और उसकी आयु जो है रेडियोमेट्रिक एज वो 635 मिलियन ईयर्स आकी गई है। इडियाकॉरियन के बारे में जब आपको मारवाड़ सुपर ग्रुप में व्याख्यान दिया था तो उसमें भी बताया था इडियाकॉरियन के बारे में, यहाँ इसके बारे में ये वापस चर्चा हुई। ये राजस्थान में किस तरह से इनका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है जो मैंने आपको पहले बताया, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में ये जो पार्ट है इसमें हमारे यहाँ विंध्यंस की चट्टानों का भौगोलिक वितरण मिलता है।
ये राजस्थान की विंध्यन सुपर ग्रुप की स्टेटिग्राफिकल क्लासिफिकेशन टेबल, इसमें आप देख सकते हैं लोअर विंध्यंस और अपर विंध्यंस में इसको बांटा गया है और तीन इलाके अलग अलग लिए गए हैं। पहला है चित्तौड़ झालावाड़ एरिया, ये प्रसाद 1981 में उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया। ये बूंदी इंदरगढ़ एरिया और ये सपोटरा करौली एरिया, इन तीन अलग अलग एरियों में लोअर और अपर विंध्यंस। लोअर में जैसे अपन बात करेंगे तो सतोला ग्रुप, सैंड ग्रुप, लसरवा ग्रुप और खोरीब ग्रुप, इनका आगे फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है चित्तौड़ झालावाड़ एरिया में और सपोटरा करौली एरिया में। अपर विंध्यन में बात करेंगे तो ये अपर विंध्यंस का यहाँ क्लासिफिकेशन दे रखा है पूरा, इसमें पन्ना सहल, इंदरगढ़, धीरी, तारागढ़, गनूरगढ़, लाखेरी, समेरिया, बूंदी और सिरबू, ये सारा इसमें दिखाया गया है। और ये बूंदी इंदरगढ़ एरिया में इसका क्लासिफिकेशन, यहाँ उसमें अगर अपन बात करें तो बदनापुर कॉन्ग्लोमरेट, अकोदा महादेव सैंडस्टोन, पन्ना सेल, इंदरगढ़ सैंडस्टोन, झिरी सेल, तारागढ़ फोर्ट सैंडस्टोन, और उसके ऊपर भांडेर के सापेक्ष जाएंगे तो गनूरगढ़ सेल, लाखेरी लाइमस्टोन, सामरिया सेल, बूंदी हिल सैंडस्टोन, सिरबू सेल, महियार सैंडस्टोन, बलवान लाइमस्टोन और धौलपुर सेल, ये इसमें यहाँ पूरा समझाया गया। सपोटरा करौली एरिया में अगर इसी अपर विंध्यंस के बारे में बात करेंगे तो पन्ना सेल से प्रारंभ होता है लोअर रिवा सैंडस्टोन, झिरी सेल, अपर रिवा सैंडस्टोन, फिर गनूरगढ़ सेल, सामरिया सेल, लोअर भांडेर सैंडस्टोन, सिरबू सेल, अपर भांडेर सैंडस्टोन। तो ये राजस्थान की तीन सेक्टर में विंध्यंस का क्लासिफिकेशन इस टेबल में पूरा समझाने का प्रयास किया गया है। अब इसके बारे में विंध्यंस को अगर हम समझने की कोशिश करें, ओल्डहाम ने 1956 में नर्मदा घाटी के उत्तर में मालवा, मध्य भारत व बुंदेलखंड क्षेत्र में पठार के रूप में विस्तृत बिहार, मध्य प्रदेश व राजस्थान के करीब 104,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले और 4200 मीटर मोटाई के अवसादों, जिसमें कि बालूकास यानी सैंडस्टोन सेल तथा चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन का नामकरण विंध्याचल पर्वत से लेते हुए विंध्यन समूह रखा गया। इस विंध्यन समूह को बाद में फिर विंध्यन महासंघ कहा गया। इसे वर्तमान में विंध्यन महासंघ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। राजस्थान में विंध्यन महासंघ की चट्टानें धौलपुर, करौली, कोटा, बारा, झालावाड़, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, चित्तौड़गढ़, बूंदी और भीलवाड़ा जिलों में करीब 28,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है तथा इनकी मोटाई 3,200 मीटर तक है। ये राजस्थान के रेफरेंस में विंध्यंस महासंघ से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी। अब विंध्यन महासंघ को जैसे अभी कैसे पहले क्लासिफिकेशन में हमने देखा लोअर विंध्यन और अपर विंध्यंस में बांटा गया है, तो विंध्यन महासंघ को निम्न व ऊपरी विंध्यंस में बांटा गया है। निम्न विंध्यन के अवसाद चित्तौड़गढ़ जिले के निबाहेड़ा और बिनोता में तथा करौली जिले में मिलते हैं। विंध्यन अवसादन राजस्थान में दो अलग अलग उपद्रोणियों में हुआ, यानी विंध्यन का सेडिमेंटेशन दो सब बेसिन्स में हुआ। दक्षिण पश्चिम में चित्तौड़गढ़ झालावाड़ उपद्रोणी में निम्न विंध्यन स्तरीय में सतोला, सैंड, लसरवान और खोरीब समूह वर्गीकृत किए गए, जो आपको अभी पहले टेबुलेशन जो टेबल क्लासिफिकेशन बताया था उसके अनुरूप यहाँ ये उसकी जानकारी दी जा रही है। तथा उत्तर पूर्व में सपोटरा करौली उपद्रोणी में एक उपद्रोणी तो है चित्तौड़गढ़ झालावाड़ उपद्रोणी और दूसरी है सपोटरा करौली उपद्रोणी। उत्तर पूर्व में सपोटरा करौली उपद्रोणी में लोअर विंध्यंस अनुक्रम में आधारी संगुटी कास्म यानी बेसल कॉन्ग्लोमरेट्स, तिरोहन लाइमस्टोन और संकोणास्म यानी ब्रैक्सिया के अवशेष मिलते हैं। ये दोनों उपद्रोणियाँ अवसादों के एक आवरण से ढकी हुई है। बूंदी के निकट एक मध्यवर्ती उच्च भूमि द्वारा पृथक होती है और उसे हम बूंदी हाई कहते हैं।
जैसे हमारे नागौर ज़िले में जायल हाई की हम बात करते हैं, ठीक वैसे ही उस क्षेत्र में बूंदी हाई, बूंदी उच्च कहते हैं जहाँ निम्न विद्यन के अवसर अनुपस्थित हैं। अब विंध्यन महासंघ के अवसादों के विवरण पे हम चर्चा करेंगे राजस्थान के संदर्भ में। तो सबसे पहले हम लोअर विंध्यन्स की बात करेंगे। तो लोअर विंध्यन में सबसे नीचे सतोला समूह, सतोला समूह के अवसाद भीलवाड़ा महासंघ तथा बैराज ग्रेनाइट के ऊपर विषम विन्यस्त रूप में, यानी सतोला समूह की जो रॉक्स हैं वो लोअर विंध्यन से संबंधित हैं और भीलवाड़ा महासंघ तथा बैराज ग्रेनाइट के ऊपर अनकन्फर्म मिट्टी के साथ विषम विन्यस्त, यानी अनकन्फर्मेबल विषम विन्यस्त रूप में चित्तौड़गढ़ के पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व में साई खेड़ी तक जमा हुए हैं। इस समूह को तीन सेल समूह यानी खेरमालिया एंडेसाइट, खरदेवला बालूकास्म यानी खरदेवला सैंडस्टोन और भगवानपुरा चुनापत्थर यानी भगवानपुरा लाइमस्टोन में विभक्त किया गया है। भगवानपुरा लाइमस्टोन मुख्यतः डोलोमिटिक है, डोलोमिटिक का मतलब कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट। उसके ऊपर सैंड समूह की चट्टानें, सैंड समूह के अवसाद मुख्यतः बालुकामय यानी एरेनीशियस तथा कम मात्रा में मणमय आर्जिलिशियस है और इनकी मोटाई लगभग 205 मीटर है। इस समूह को सावा सैंडस्टोन और पालडी सेल में विभक्त किया गया है। उसके बाद है लसरवान समूह, लसरवान समूह के अवसाद सैंडस्टोन और सेल से निर्मित है तथा इसे दो सेल समूह कलमिया सैंडस्टोन और बिनोता शैल में बांटा गया है। फिर है खोरीब समूह, खोरीब समूह बिनोता शैल के ऊपर स्थित खोरीब समूह को जीरान सैंडस्टोन, बारी निम्बाडा शैल, निम्बाडा लाइमस्टोन तथा सुकेत शैल में विभक्त किया गया है। इस समूह में जीरान सैंडस्टोन के साथ आधार में खोरीमलान कॉन्ग्लोमरेट या संगुटिकास्म मिलते हैं और निम्बाडा लाइमस्टोन सीमेंट श्रेणी का लाइमस्टोन है, इसलिए सीमेंट इंडस्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है। तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट लोअर विंध्यन्स इन राजस्थान। अब हम ऊपरी विंध्यन्स पे चलें। लोअर विंध्यन्स के बाद अनकन्फर्मिटी और अनकन्फर्मिटी के बाद ऊपर विंध्यन्स की रॉक शुरू हो जाती है। इन सब का क्लासिफिकेशन अभी हमने पहले आपको एक स्लाइड में टेबुलेशन के माध्यम से बताया था। ऊपरी विंध्यन में सबसे नीचे कैमूर, उसके ऊपर रीवा और उसके ऊपर भांडेर पाया जाता है। तो सबसे नीचे जो अपर विंध्यन्स में जो सबसे नीचे हैं कैमूर, कैमूर समूह की सेल हैं चित्तौड़गढ़, जालरापाटन, बिसुंदरी, रायताखेड़ी तथा बूंदी जिले में मिलती है। इस समूह में चित्तौड़गढ़ सैंडस्टोन सेल समूह और अकोदा महादेव सैंडस्टोन सेल समूह सम्मिलित है। इस समूह का अवसाद मुख्यतः बालुकामय नेचर का है। इसके ऊपर रीवा समूह, रीवा समूह की चट्टानों में रीवा समूह की अवसाद मर्ण में व आलू बालुकामय सेलों से निर्मित है, यानी इसमें अर्जिलिशियस और एरेनीशियस बोथ टाइप ऑफ नेचर तथा इस समूह में पन्ना शैल, इंद्रगढ़ सैंडस्टोन, जीरी शैल, तारागढ़ सैंडस्टोन सेल समूहों को सम्मिलित किया गया है। इसके बाद कंपेरेटिवली सबसे यंगेस्ट, यंगर एज में अपर विंध्यन का सबसे अपर पार्ट, उसको हम भांडेर समूह कहते हैं और भांडेर समूह को निम्न भांडेर और अपर भांडेर में विभक्त किया गया है। निम्न भांडेर के अवसाद चित्तौड़गढ़ झालावाड़ सबबेसिन में, सपोटरा करौली सबबेसिन में तथा बूंदी हाई भूमि में मिलते हैं। निम्न भांडेर को गनूरगढ़ सेल, लाखेरी लाइमस्टोन, समरिया सेल, बूंदी पहाड़ी सैंडस्टोन तथा सिब्बू शैल सेल समूहों में वर्गीकृत किया गया है। ऊपरी भांडेर के अवसाद को मेहर सैंडस्टोन, बलवान लाइमस्टोन तथा धौलपुर शैल ग्रुप्स में वर्गीकृत किया गया है। ये बूंदी उच्च भूमि यानी बूंदी डूंगरगढ़ उपद्रोणी में मिलते हैं। तो ये ऊपरी विंध्यन्स के राजस्थान में किस तरह से कौन से ग्रुप में कौन सी चट्टाने कहाँ कहाँ जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी जानकारी आपके साथ मैंने साझा की। इस पूरे व्याख्यान में कई रिसर्च पेपर्स और कई रिसर्च पेपर में प्राप्त जो डाटाज हैं एज से, उनके साथ जो मैप्स जो प्रोड्यूस किए गए थे उनका इसमें उपयोग किया गया। कंटेंट सोर्स जो उपयोग किए गए उनका यहाँ हवाला दिया गया है।
तो कोशिश की गई है कि विंध्यन सुपर ग्रुप और विंध्यन सुपर ग्रुप का इन कॉन्टेक्स्ट विद राजस्थान क्या इन्फॉर्मेशन अपडेट जो है वो आपको उपलब्ध कराई जाए। इस व्याख्यान में हमने आपको विंध्यन सुपर ग्रुप के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसी व्याख्यान का PDF वर्जन बनाकर आपके क्लास वाइज व्हाट्सएप ग्रुप में साझा किया जाएगा और इस व्याख्यान से संबंधित असाइनमेंट में इसी व्याख्यान से संबंधित प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं। इस व्याख्यान को सुने, देखें, समझें, PDF को बार बार देखें, उससे नोट्स बनाएं और जो असाइनमेंट में प्रश्न आपको पूछे गए हैं उनका उत्तर देने का प्रयास करें और घर बैठे अपने अध्ययन को जारी रखें और विंध्यन सुपर ग्रुप से संबंधित जितनी भी जानकारी है उसके नोट्स घर बैठकर इस व्याख्यान और PDF के मार्फत बनाएं ताकि आपकी पढ़ाई यथावत जारी रहे।